संसदीय व्यवस्था में स्थायी समितियों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये संसद, कार्यपालिका और आम जनता के बीच मजबूत कड़ी का काम करती है। दरअसल समितियों की आवश्यकता दो कारणों से होती है। पहला, कार्यपालिका के कामकाज पर विधायिका की ओर से निगरानी की जरूरत, और दूसरा, विधायिका के पास काम की अधिकता के चलते उसे निपटाने के लिए सीमित समय का होना। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया जाता है। विभाग संबंधित स्थायी समितियों के इतिहास को जानना बेहद जरूरी है। 1989 से पहले विधेयकों की जांच की कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं थी और महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए प्रवर समितियों का गठन समय समय पर किया जाता था। कई सालों से विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सबसे पहले अगस्त 1989 में 3 स्थायी समितियों का गठन किया गया, जो कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलावा पर्यावरण और वन से संबंधित थी। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की नियम समितियों के स्थायी समितियों के गठन से जुड़ी रिपोर्ट को 29 मार्च 1993 को दोनों सदनों से मंजूर किया गया। इससे विभाग संबंधित स्थायी समितियों के गठन का रास्ता साफ हुआ। मार्च 1993 में 17 विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन करने का फैसला लिया गया। इन समितियों के गठन के साथ ही अगस्त 1989 में गठित की गई 3 विषयों समितियों का अस्तित्व समाप्त हो गया। 31 मार्च 1993 को संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में तत्कालीन भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के आर नारायणन ने औपचारिक तौर पर नई स्थायी समितियों का उद्घाटन किया। इन विभाग संबंधित स्थायी समितियों ने 8 अप्रैल 1993 से काम करना शुरू किया। उस वक्त हर समिति में 45 सदस्य की व्यवस्था की गई। इनमें 15 राज्यसभा सदस्य और लोकसभा के 30 सदस्यों को रखा गया। 13वीं लोकसभा तक विभागीय स्थायी समिति में 45 सदस्य ही होते थे। जुलाई 2004 में ऐसी 7 और विभाग संबंधित स्थायी समितियों का गठन किया गया। इसके साथ ही विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई, लेकिन समितियों के सदस्यों की संख्या 45 से घटाकर 31 कर दी गई। अब विभाग संबंधी स्थायी समिति में राज्यसभा के 10 सदस्य और लोकसभा के 21 सदस्य होते हैं। 24 विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों में से 8 को राज्यसभा के सभापति के आधिकारिक क्षेत्र में और 16 को लोकसभा अध्यक्ष के आधिकारिक क्षेत्र में रखा गया। समिति के लिए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों में से करते हैं और राज्यसभा के सदस्य सभापति की ओर से चुने जाते हैं। 8 समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति करते हैं और बाकी 16 समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इन समितियों का कार्यकाल 1 साल का होता है। किसी भी स्थायी समिति में कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकते। अगर समिति के सदस्यों में से कोई सदस्य मंत्री बन जाता है तो उनकी समिति की सदस्यता खत्म हो जाती है। इन समितियों का गठन और कामकाज राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 268 से 277 और लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन विषय नियमों के नियम 331 सी से 331 एन से नियंत्रित होते हैं।